तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर NTU UGC NET पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 3 की गाइडेंस के ऊपर स्टडी करेंगे। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस। पहले वीडियो पर हम लोग गाइडेंस का कंसेप्ट, नेचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये सभी चीज समझे थे, मगर आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ गाइडेंस। तो फर्स्ट गाइडेंस है एजुकेशनल गाइडेंस। देखो यहाँ से जो टाइप्स ऑफ गाइडेंस होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, यहाँ पर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, अब उसके ऊपर बेस करके पूछा जाएगा कि ये कौन सी गाइडेंस की टाइप्स है, एजुकेशनल गाइडेंस या पर्सनल गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। मैं इन डिटेल्स में समझा देती हूँ, आप लोग समझिए, और इसके ऊपर बेस करके मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तो लेट्स स्टार्ट। एजुकेशनल गाइडेंस क्या है लर्नर्स? जो एजुकेशन के ऊपर बेस करके होगा, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस पर जो करिकुलम्स होती है, जो मेथड्स होती है, या फिर अदर्स करिकुलम, डिसिप्लिन होती है, एक्टिविटीज होती है, उस रिलेटेड जो गाइडेंस हमें मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एजुकेशनल गाइडेंस कहेंगे। If one closely examines the problem of young people, that means कि जो students होती है उनकी related कुछ problems होती है schools and colleges में, तो वहाँ पर जो guidance दिया जाएगा उसकी education से related, उसकी curriculum से related, उसको ही हम क्या कहेंगे, educational guidance कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर टू अंडरस्टैंड हीज और हर पोटेंशियल, एजुकेशनल गाइडेंस पर हम लोग फोकस करेंगे कि उस बच्चे का क्या पोटेंशियल है, क्या इनर टैलेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैव अ क्लियर कट आइडिया ऑफ द डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हर एक बच्चा सेम नहीं होगा, दे आर डिफरेंस अबाउट देयर पोटेंशियल, अबाउट देयर क्वालिटीज। तो उनकी जो डिफरेंसेस है आपकी क्वालिटीज से रिलेटेड, आपकी पोटेंशियल से रिलेटेड, उसके ऊपर बेस करके उनको अपॉर्चुनिटी देना होगा। अगर कोई बच्चा अच्छे से डांस करेगा तो उसको डांस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दो, अगर कोई बच्चा अच्छा गा लेता है तो उसको सिंगिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दो, राइट। तो यहाँ पर उनकी जो डिफरेंट होती है, ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, उस इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बेस करके उनको अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, टू मेक वाइज चॉइस इज रिगर्स टू स्कूल, कॉलेजेस, द कोर्स करिकुला एंड एक्स्ट्रा करिकुला, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा इन द स्कूल। तो वहाँ पर जो स्कूल्स या कॉलेजेस पर या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर जो भी पढ़ाई से बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर होगा या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होगा, वहाँ पर भी कुछ गाइडेंस देना होगा। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से डांस कर रहा है तो उसको डांस से रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इन द फ्यूचर जाके, उसके ऊपर बेस करके गाइडेंस दो। तो ये हो गया आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर बेस करके गाइडेंस देना। तो एजुकेशनल गाइडेंस पर ये समझना होगा कि उनकी पोटेंशियल क्या है, उनकी स्ट्रेंथ पावर क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट, टू हेल्प द चाइल्ड मेक एजुकेशनल प्लान कंसिस्ट विद हर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड गोल्स, मतलब उनकी फ्यूचर जो प्लानिंग होगा वो हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। उनकी एबिलिटीज को देखो, पहली बात तो उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग एबिलिटीज को मतलब साइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई बच्चा ज्योग्राफी रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड है, मगर उस बच्चे का ज्योग्राफी के ऊपर एबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर मैं उसको सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी नहीं कर सकती। उस बच्चे को मुझे ये समझाना होगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट है मगर देखो एबिलिटी नहीं है, तुम आगे जाके कोई भी बैरियर्स को ओवरकम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट दो जो जिस पर तुम्हारी एबिलिटीज बहुत अच्छा है। तो एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट को लेके हमें कुछ प्लान क्रिएट करना होगा या फिर कुछ गोल्स को क्रिएट करना होगा। To enable the students to know detail about the subject and course offered. जैसे कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी या फिर अगर मैं एजुकेशन पढ़ूंगी तो उस एजुकेशन कोर्स के बाद मेरा क्या अपॉर्चुनिटी होगा, क्या जॉब ऑफर मुझे मिलेगा, या फिर कोई बच्चा मल्टीमीडिया कोर्स कर रहा है, कोई बच्चा होम मैनेजमेंट की कोर्स कर रहा है, तो आफ्टर द होम मैनेजमेंट कोर्स या फिर
आफ्टर द मल्टीमीडिया कोर्स क्या उसको ऑफर मिलेगा, क्या उसको प्लेसमेंट मिलेगा, उसको सभी कुछ क्लियर आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स एंड सब्जेक्ट के ऊपर उनको डिटेल्स नॉलेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या समझूंगी कि डिटेल्स नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड कोर्स ऑफर, अगर वो आफ्टर क्लास 10 के एग्जाम के बाद वो कौन सी स्ट्रीम लेगा, वो चूज करने के लिए उसको पहले ये समझना होगा कि उस स्ट्रीम के बाद मुझे क्या क्या ऑफर मिलेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। To assist the students in making satisfactory progress in various schools and colleges subjects, मतलब ऐसा subject choose करना होगा जिसके through उसको एक satisfaction progress मिले। मतलब ability नहीं है वो mathematics ले रहा है, या फिर ability नहीं है वो physics chemistry ले रहा है, मतलब मगर क्या होगा जो progress level होगा वो down होता जाएगा क्योंकि उनकी ability नहीं है उस बच्चे का। तो यहाँ पर ऐसा subject choose करना होगा जिसके through progress level भी हाई होता जाए। ठीक है, टू हेल्प द चाइल्ड टू एडजस्ट विद द स्कूल्स इट्स रूल्स रेगुलेशन सोशल लाइफ कनेक्टेड विद इट, मतलब यहाँ पर स्कूल्स की जो रूल्स रेगुलेशन है वो सोशल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, इसके ऊपर भी एजुकेशनल गाइडेंस जरूरी है। नेक्स्ट, द टू हेल्प द चाइल्ड इन डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, मतलब सुबह की 8 बजे पढ़ना चाहिए या फिर सुबह की 7 बजे पढ़ना चाहिए, शाम की 5 बजे भी पढ़ना चाहिए, तो एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुड स्टडी हैबिट्स होना चाहिए। टू हेल्प द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, मतलब इन द क्लासरूम एंड आउट ऑफ द क्लासरूम दोनों जगह पर ही उसकी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब उसको एजुकेशनल जो थियोरेटिकल पार्ट है वहां पर भी पार्टिसिपेट करना है, और आउट ऑफ द क्लासरूम दैट मींस जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होगा उसमें भी उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके लिए जो गाइडेंस या फिर मोटिवेशन चाहिए वो ये देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, गाइडेंस एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, ये जो एजुकेशनल गाइडेंस है ऐसा गाइडेंस है, दिस इज सच टाइप ऑफ गाइडेंस दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कैसे मैं टीच करूंगी, कैसे मैं पढ़ाऊंगी, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो इसके लिए जो क्वालिटी बेस्ड गाइडेंस होगा वो ये देगा। नेक्स्ट, नॉलेज एक्सपोजर और द इंक्रीज इन द टाइप्स ऑफ कोर्स ऑफर्ड इन द स्कूल्स, मतलब कि नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए जितना भी टाइप्स ऑफ कोर्सेस होती है, जैसे कि सिर्फ मैं मेरी स्कूल्स पर साइंस की कुछ स्ट्रीम्स रखूंगी, कॉमर्स की कुछ स्ट्रीम्स रखूंगी, और आर्ट्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रखूंगी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, बस और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर टाइप ऑफ कोर्सेस को इंक्रीज करना होगा, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस होगा वो जितना कोर्सेस आप दे सकते हो आपकी स्कूल्स में उतना अच्छा है बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये एक यहाँ पर एक बात है कि अब इंक्रीज ऑफ द टाइप्स ऑफ कोर्स हो गया, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप एज ए प्रिंसिपल बहुत सारी कोर्सेस ले लिए, ठीक है, आपकी स्कूल पर, अब कौन सी कोर्स कौन से बच्चे के लिए अच्छा है उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगा। तो वो गाइडेंस क्या होगा, वो गाइडेंस भी एजुकेशनल गाइडेंस होगा। क्लियर, अब चलो नेक्स्ट, एक्सपेंडिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब यहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट है हमारी अल्टीमेट गोल ऑफ आवर एजुकेशन। अब इस अल्टीमेट गोल को फुलफिल करने के लिए जितना ऑब्जेक्टिव्स होती है, जैसे कि मिड डे मील हो गया, फ्री कॉस्ट हो गया, तो ये जो छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको डेवलप करना, उसको सही जगह सही दिशा में या फिर सही जगह में लेके जाना, इसके लिए भी एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगा, वो एजुकेशनल गाइडेंस होगा। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एक स्कूल्स पर, एक कॉलेज पर, एक यूनिवर्सिटी पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती है टीचर के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, तो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत होगा, वो है हमारी एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट इज सॉल्विंग डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर डिसिप्लिन प्रॉब्लम होती है, उस डिसिप्लिन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा कौन, एक एजुकेशनल गाइडेंस।
ऑप्टिमम अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टूडेंट्स को कुछ अचीव करना है, आप उस अचीवमेंट्स के लिए उनकी जो प्रॉपर स्टडी हैबिट होना चाहिए, उसकी लर्निंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, अगर ये सारी चीज लैकनेस पर आ गया तो उसके पुअर अचीवमेंट, पुअर प्रोग्रेस हो जाएगा। तो सभी चीज ठीक ठाक हो इसके लिए भी एक गाइडेंस की जरूरत है। डिसीशन ऑफ फर्दर एजुकेशन, जो बच्चा क्लास 10 की एग्जाम के बाद कौन से कोर्स लेगा या फिर क्लास 12 की एग्जाम के बाद वो कौन सी लाइन पर जाएगा, दैट मीन्स इन द फ्यूचर उसकी लाइफ एनलाइटमेंट करने के लिए क्या क्या चीज या फिर कौन सी ट्रैक पर जाना जरूरी है, वो एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब चलो, मेकिंग द ग्रेड, another important area where educational guidance needed, the area of giving the students help to progress satisfactorily in the course chosen. जैसे कि मैंने कहा था कि type of course होगा, मगर कौन सी course कौन से बच्चे के लिए अच्छा है उसके लिए भी guidance की जरूरत है, वो ये point बोल रहा है। अब चलो next, education of exceptional children. एक नॉर्मल बच्चे के लिए जितना जरूरी है एजुकेशनल गाइडेंस, उससे कई गुण ज्यादा जरूरी होती है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, या फिर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स, कोई हियरिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आ गया, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है एजुकेशनल गाइडेंस, बिकॉज उन लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी पैदा होती है, उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करना, सही ट्रैक पर लेके जाना, उसके माइंड को भी पॉजिटिव बनाना कौन करेगा, एजुकेशनल गाइडेंस। क्लियर? द नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल एडजस्टमेंट, एक बच्चा एक फैमिली पर उनकी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा बिहेव कर रही है, ठीक है, ठीक ठाक बिहेव कर रही है, मगर इन द स्कूल जाके, मतलब स्कूल्स पर जाके वो क्लासमेट के साथ एक अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मतलब वो एडजस्ट नहीं हो रही है, वो घर में बहुत सभी के साथ घुल मिल कर रहते हैं, मगर जब वो स्कूल्स पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड हो रही है। तो ये जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेगा कौन, एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है। तो उनको सभी जगह पार्टिसिपेट करना, उनकी जो बात है वो सभी के सामने रखना, ठीक है, दैट मींस उनकी वर्ड्स को, उनकी उसकी जो दिमाग में जो चीज चल रही है वो खुलकर वो बता सके, ठीक है, रिप्रेजेंट कर, सभी बच्चे ये नहीं कर सकती, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या सोचेगा, अगर मैं गलत बोल दिया तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स के बीच में। तो इन सभी चीजों को दूर भगा के एक सही ट्रैक पर लेके जाना, तुम खुद को रिप्रेजेंट करो सभी के सामने, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करके रिप्रेजेंट करो सबके सामने, कौन क्या बोल रहा है उसको नजरअंदाज करते हुए खुद को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, खुद को उभार के आना होगा, ये सभी चीज एक गाइडेंस के थ्रू ही हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, नीड ऑफ चेकिंग द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, मतलब जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होती है उनके उसके लिए वेस्टेज होती है एंड स्टैग्नेशन होती है एजुकेशन पर, तो इसको कंट्रोल करना, फेल जो रिपीडिटी होती है, जैसे मैंने कहा ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कब होगा, जब एक स्टूडेंट्स बार बार फेल करेगा या फिर स्टडी को बीच रास्ते में ही छोड़ के चला जाएगा, तभी वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन आएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे सही तरीके से नॉलेज देना होगा, सही तरीके से पढ़ाना होगा, उस स्टूडेंट्स को भी पढ़ना होगा, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ सिमिलर वे में उस स्टूडेंट्स को भी पढ़ना होगा, तभी बैलेंस होगा सभी चीज। तो इसके लिए जो प्रॉपर टेक्निक होती है उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। लास्ट पॉइंट है द नीड ऑफ मेकिंग राइट एजुकेशनल चॉइस, आपको सही चॉइस लेना होगा, मेरा एबिलिटी क्या है, मेरी इंटरेस्ट क्या है, मेरी नीडनेस क्या है। सभी बच्चे हायर स्टडी नहीं कर सकती, उसकी इंटरेस्ट एंड एबिलिटी हो सकती है मगर नीडनेस की वजह से वो हायर स्टडी नहीं कर सकती, तो वो कौन से ट्रैक पर जाएगा वो भी बताएगा कौन, एजुकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस पर ये 18 पॉइंट्स है, आई थिंक ये काफी होगा आप लोगों के कंसेप्चुअल बेस्ड के लिए।
आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ क्योंकि बहुत सारी टाइप्स है। मैं फिर एक वीडियो पर जो दूसरा टाइप्स है वो सारी टाइप्स मैं लेके आऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ स्टूडेंट्स, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।